साहब क्या खैरियत ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह मौला का करम खैरियत ठीक ठाक खैर खैरियत से आप सर मैं आज आया था थोड़ा फ्री टाइम मिला तो मैंने कहा चलो आज जाके विजिट ही कर लेते हैं और प्लांट पे ये चक्कर भी लगा लेते हैं तो देख लेते हैं ये कंक्रीट जो है किस तरह बनती है। तो काइंडली आप हमारी रहनुमाई करेंगे कि इस जो कंक्रीट बनने का प्रोसेस होता है वो क्या क्या इसमें मतलब क्या क्या चीज़ें ऐड की जाती हैं क्योंकि रेती और बजरी तो मैंने देखी है। कुछ ऐड करता हूँ जी इसमें क्रश सीमेंट रेत और केमिकल अच्छा ऐड किया जाता है और अच्छा। ये हमारा पैनल सिस्टम है ठीक हो गया माशाल्लाह ये तो मैं देख रहा था ये भी हमारा इधर ठीक हो गया 460 सीमेंट है ठीक हो गया और फिर ये हमारी है क्रश ठीक है ये क्रश और ये 400 टोटल हो गए 943 केजी ये अच्छा एक मीटर का ये प्लांट है अच्छा एक मीटर का ये केजी केजी का हिसाब लिखा हुआ है ठीक हो गया ठीक है। आगे ये हमारी सैंड है 401 हाँ और 364 टोटल हो गई 664 ये हमारा केमिकल है 3 लीटर ठीक होगा 3 लीटर इसमें 3 लीटर इस्तेमाल होगा एक मीटर में ये इस क्लास में ठीक और ये हमारा पानी है 208 लीटर केजी 208 लीटर पानी ऐड होता है तो फिर अच्छा। ये 1 मीटर का मिक्स हमारा तैयार हो जाता है। अच्छा मतलब ये 1 मीटर का माल तैयार करने के लिए ये चीजें इस्तेमाल होती हैं। चलो माशाल्लाह थैंक यू सर शुक्रिया नवाजिश मेहरबानी जी। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आज की आपने वीडियो देख ली होगी और यकीनन पसंद की होगी। आज के वीडियो का हमारा टॉपिक था कंक्रीट किस तरह बनती है और इसमें कौन कौन सा मटेरियल और कितना कितना मटेरियल इस्तेमाल होता है। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो आज तक की वीडियो बस इतनी ही थी। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और जो नए दोस्त हैं जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलें और बेल का आइकन दबा दें ताकि आपको नई आने वाली वीडियो वक्त पर मिलती रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।